हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? ये वीडियो एक्चुअली में फोकस्ड है जो नीट ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले साल का एग्ज़ाम दिया है। बेसिकली जिन्होंने उसके पहले का दिया है उनके लिए भी अप्लीकेबल होगा उतना ही। अभी NTA ने रिलीज़ कर दिया OMR और आंसर की भी, और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। बहुत लोगों को पहले से पता रहा होगा कि हमारा कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, आंसर की कोचिंग इंस्टीट्यूशन या खुद से लोग मिला के चेक कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा अभी के उसमें। लेकिन होता क्या है, जिस दिन हम एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, अगर एग्ज़ाम पेपर ख़राब हुआ है तो आते हैं भाई, मूड ऑफ होता है, चीज़ें होती हैं। उसके बाद 2 4 दिन 10 दिन तक रहता है उसी मोड में, चीज चल रही होती है चीज़ें, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी भी नहीं होती है इतने दिन, 2 4 10 दिन तक तो चलता है। उसके बाद हम वेट करते हैं कि NTA जो है OMR रिलीज करे, उसके मार्क्स जो है मैच करवाएं। चलिए मैच करवा लिए अभी मार्क्स, फिर से हम सदमे में जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। अभी भी सदमा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट का हम वेट करते हैं तीसरे सदमे के लिए। हमको श्योर शॉट पता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी हम एग्ज़ाम के दिन के बाद से लेके लगभग 1 से 1.25 महीने तक जो है वेट करते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। चलिए मान लीजिए वेट कर लिया, सदमे में भी निकल गए, उसके आगे क्या? तो उसके आगे की कहानी हम आपको बता रहे हैं अगले 2 4 मिनट में। आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, और ये प्रॉमिस ना आप खुद से करिए। ये प्रॉमिस आप मुझसे नहीं, अपने दोस्त यार से नहीं, अपने गार्जियन या पेरेंट्स से नहीं, भाई बहन से नहीं, अपनी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिस भी तरीके से आप किसी से शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, उनसे नहीं। ठीक है, कुछ लोग प्रॉमिस कर लेते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, तो उसके लिए भाई सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी थी IAS रिलेटेड। ना, प्रॉमिस खुद से करिए। खुद से प्रॉमिस करेंगे ना तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं पड़ेगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी पक्का। तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट ना रहिए, आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। पर्पज क्या है आपका? नीट एग्ज़ाम 2025 क्लियर करना और मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना, और ये लिखना अपने नाम के आगे पीछे जहाँ पे भी बताना है आपको, अपनी DP के आगे, कि भाई आप MBBS स्टूडेंट हैं। किसी से कोई पूछे तो ये फीलिंग जो है ना आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो आप इस साल को, जो ये साल चल रहा है, और जो 25 वाला जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम के पहले और अभी के टाइम के बीच में जितना टाइम ड्यूरेशन है ना, आप प्रॉमिस करिए खुद से कि दिस ईयर विल बी द लास्ट ईयर, दिस ईयर विल बी द लास्ट ईयर। आपको याद है, अगर पढ़े हैं तो कभी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की कहानी 1942, गांधी जी ने, ठीक है, लोगों को बड़े कान में आराम से बोला था, ऐसे धड़ल्ले में नहीं। गांधी जी ऑलवेज फॉलोज द नॉन वायलेंस। लेकिन सोचिए, उन्होंने वायलेंस के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला था डू और डाई, करो या मरो। और करो या मरो में मरना, हम मरने के लिए हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है चलो, लेकिन ये एक्सट्रीम है कि भाई हमको करना है। तो आपको ना अभी क्या करना है कि फुल स्ट्रेंथ से एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर लेना है, और ये फोकस जब तक एग्जाम ओवर नहीं होता है तब तक फोकस इधर से इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्लानिंग थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। प्लानिंग में पहला एस्पेक्ट क्या है, पहले तो आप जो है 2024 का जो पेपर हुआ था उसको एनालाइज करिए। एनालाइज पेपर को एनालाइज नहीं करना है, पेपर में क्या डिफिकल्टी थी क्या नहीं, पेपर एनालाइज आप अपने रिस्पेक्ट में करना है कि आप कहाँ कहाँ चूक किए, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की, किस एरिया में आपकी गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं, और किस एरिया में आपने एक बार में आंख बंद करके आंसर लगा दिया क्वेश्चन देखने के बाद तो सही हो गया। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की एनालिसिस जब कर लेंगे ना, उसको आप क्या करिए, चार्ट आउट करिए, पेन डाउन करिए, लिखिए कि ये मतलब दिस 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 एरियाज यू नीड टू वर्क मोर। जो भी एरियाज हैं जिन पे ज़्यादा काम करना है, आप उनको बिल्कुल हाईलाइट करके सेपरेटली रखिए, और जिनको आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत है हल्के फुल्के, उसको डेली टारगेट में रखिए कि बस रिवीजन हमको करना है इसको। ठीक है, इसके बाद एनालिसिस कर लिया आपने, स्ट्रेंथ वीकनेस की एनालिसिस कर ली, तैयारी आपने शुरू कर दी। डू और डाई की सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नहीं, ये साल आखिरी साल है, अगला साल आपको नहीं चाहिए।
और अगला साल आपके लिए, मान लीजिए कहते हैं ना कि भाई अगला साल मिलेगा ही नहीं आपको, यू डू नॉट थिंक कि आपके गार्जियन पेरेंट्स जो है हर साल सपोर्ट कर देंगे, डोंट थिंक, पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, कहते हैं ना पूरी जान लगा दो, जितनी भी जान बची है झोंक दो सब, लेकिन जान हम पढ़ाई पे लगाने की बात कर रहे हैं, आप कहीं और जान मत लगाने लगिएगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर उधर जान लगा देंगे ना तो कहानी जो है ना इधर से इधर हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और बाकी लोगों की, अब कुछ लोगों की हुई होगी, अच्छे खासे लोगों की कहानी ऐसे ही बिगड़ती है, एटलीस्ट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो प्लान आउट कर लीजिए, प्लान आउट करने के बाद आपने एनालिसिस कर लिया, अब क्या करना है, आपको डेली टारगेट सेट करना है, और टारगेट सोने से पहले सेट हो जाना चाहिए, अगले दिन का, अगले दिन का टारगेट सोने से पहले सेट हो जाना चाहिए कि अगले दिन करना क्या है। डेली टारगेट याद रखिएगा, डेली टारगेट्स, डेली टारगेट आप करिए। टारगेट्स में आप स्ट्रेटजी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने ही बताया था 2:2:1 का स्ट्रेटजी, उसमें थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं, लेकिन दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इन टारगेट्स को, डेली टारगेट्स को फॉलो करते रहिए, और संडे का दिन, संडे का दिन एक हफ्ते का पूरा रिविजन करना है आपको, पूरा दिन रिविजन करना है। उस पर ये नहीं सोचना कि अरे यार पढ़ लेते तो ये कर लेते वो कर लेते, ना, रिविजन करना है तो करना है बस, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक महीने में आपका 4 बार रिवीजन होगा, और बाकी चीज़ें आपकी 5 दिन या 6 दिन जो होगा प्रैक्टिस होगा। अब आप रिवीजन के पर्पस से या फिर से पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप खाली मेंटोर आपको मिल जाए कोई, जिसके कॉन्टैक्ट में आप रहिए, कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी है। कॉन्टैक्ट में रहना इसलिए ज़रूरी होता है ना कि इस समय एक्चुअली में आप भटकते बहुत ज़्यादा है। अभी आपको बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, हम भी बना ही रहे हैं, और भी लोग बनाएंगे, तो उसमें वीडियो आप देखेंगे, मोटिवेशन होगा, फिर शुरू करेंगे, फिर 4 दिन के बाद फिर मोटिवेशन ढह गया, फिर 1 महीने के बाद फिर से मोटिवेट होंगे। तो आपको मतलब किसी एक पर्सन से, किसी एक मेंटोर से, किसी एक टीचर से आपको डेली कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, सो देट आपका मोटिवेशन डाउन ना हो और आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे, और आपका ग्राफ ना ऐसे ऐसे जाता जाएगा, और नीट एग्जाम जिस दिन आएगा आप एग्जाम में एकदम एक्सेल करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना कहानी। सो इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करिए, लेकिन आप प्रॉमिस खुद से करिए, दूसरों से नहीं। खुद से प्रॉमिस किया हुआ प्रॉमिस जो है ना वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा आपके लिए, दूसरों से किया हुआ प्रॉमिस कभी कभी किसी के लिए एंगर में, हेट में काम कर जाता है, लेकिन हमेशा नहीं काम करता है। तो डू नॉट डू दैट, अभी आप उस मोमेंट पे नहीं है, ठीक है, अभी आप उस मोमेंट पे नहीं है, अभी आप खुद से प्रॉमिस करिए और कहिए कि नहीं, इस साल आखिरी साल है और इसके बाद आप टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। थैंक यू।